हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमसीबी। आज हम नॉर्मल सेविंग नीडल से एक ग्रैंड ब्राइडल का लटकन बनाएंगे। इस लटकन को बनाने का मेथड बहुत ही इजी है। मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ की गोल्डन बीड्स लिए हैं और ये सबसे स्मॉल साइज़ की गोल्डन बीड्स लिए हैं। और दो क्रिस्टल के ड्रॉप शेप के बीड्स लिए हैं। इनके बदले में आप गोल्डन कलर के ड्रॉप शेप के बीड्स भी ले सकते हैं। ऑल्सो मैंने यहाँ पे फोर इस तरह के स्टोन टायर्स लिए हैं। नॉर्मल सेविंग नीडल में 6 स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्क थ्रेड लिया है और एक और नीडल में मैंने 2 स्ट्रैंड्स ऑफ कॉटन थ्रेड लिया है। और ये मैंने दो बिग साइज़ के ड्रॉप शेप के बीड्स लिए हैं। ये लगभग 1 इंच से भी थोड़े बड़े हैं, ये देख सकते हैं 1.2 इंचेस हैं। इस तरह के हमें दो ड्रॉप शेप के बीड्स लेने हैं। सिर्फ नॉर्मल सेविंग नीडल से हम ये ब्यूटीफुल एंड ग्रैंड ब्राइडल का लटकन बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले हमें 6 स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्क थ्रेड लेना है और यहाँ पे एक नॉट डाल लेना है। उसके बाद इस ड्रॉप शेप बीड का ये जो होल है, इस होल में से नीडल को पास कर लेंगे यहाँ से। और उसके बाद इन सिल्क थ्रेड का ये जो हमने नॉट बनाया था, इस नॉट में से भी नीडल को पास कर लेना है। इस तरह से ये एक नॉट बन जाएगा और इस बीड पर ये थ्रेड्स फिक्स हो जाएंगे। इस तरह से हमें नीटली नॉट डाल लेना है। उसके बाद फिंगर में धागा फोल्ड कर लेंगे और इस बीड में से नीडल को पास करके इस धागे को जो हमने फिंगर में फोल्ड किया था उसे स्लोली छोड़ देंगे। इस तरह से ये एक नॉट बन जाएगा। फिर से फिंगर में धागा फोल्ड करेंगे और इस बीड में से नीडल को पास कर लेंगे और इस तरह से स्लोली फिंगर में धागा छोड़ देंगे। ये एक इस तरह से एक नॉट बन जाएगा। हमें यहाँ पे नीटली नॉट्स बनाने हैं। फ्रेंड्स मैंने इन्हीं ड्रॉप शेप के बीड्स यूज़ करके एक और टाइप के ग्रैंड ब्राइडल के क्रोशेट के लटकन्स बनाए हुए हैं। उसका लिंक मैंने वीडियो के एंड में दे दिया है। बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किया था और मैसेज किया था कि नॉर्मल सेविंग नीडल से भी इस तरह से लटकन बनाने का वीडियो बनाइए, तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। जिन लोगों को क्रोशेट का डिज़ाइंस नहीं आते हैं, वो इस तरह से नॉर्मल सेविंग नीडल का यूज़ करके भी इन ग्रैंड ब्राइडल लटकन्स बना सकते हैं। फ्रेंड्स अब इसी तरह से हम इस पूरे ड्रॉप शेप के बीड के ऊपर इस तरह के नॉट्स बनाएंगे और इस रिंग को कम्प्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं, मैंने इस रिंग को कम्प्लीट कर लिया है और नॉट्स डाल के फैब्रिक ग्लू की मदद से एक्सेस थ्रेड को भी फिक्स कर लिया है। और अब नेक्स्ट हमें इस पर बीड वर्क करेंगे। मैंने यहाँ पे नॉर्मल सेविंग नीडल में 2 स्ट्रैंड्स ऑफ कॉटन थ्रेड लिया है और यहाँ पे एक नॉट डाल लिया है। उसके बाद इस ड्रॉप शेप का ये जो ऊपर वाला पॉइंट है, यहाँ से हम नीडल को पास कर लेंगे, आप ये देख सकते हैं। उसके बाद नीडल में हमें एक स्मॉल बीड लेना है और इस स्मॉल बीड को हम इस तरह से पास कर लेंगे और फिंगर में धागा फोल्ड कर लेंगे। ये जो हमने नॉट्स बनाए थे, इस नेक्स्ट वाले नॉट में से नीडल को पास करके स्लोली धागा छोड़ देना है। और अब ये बीड कम्प्लीटली फिक्स हो गया है, अटैच हो गया है। इसी तरह से एक और बीड लेंगे नीडल में पास कर लेने के बाद, फिंगर में धागा फोल्ड करके नेक्स्ट वाले नॉट में से नीडल को पास करना है और यहाँ पे इस तरह से एक नॉट बनाएंगे। और अब ये बीड अटैच हो गया है। फ्रेंड्स इस लटकन के सभी मटेरियल्स आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे। ऑल्सो 50 रुपीज़ के अंदर अंदर ही ये ब्यूटीफुल एंड ग्रैंड लटकन्स आप बन के रेडी हो जाएंगे। और ये दोनों लटकन्स ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स के अंदर ही बन जाएंगे। अब इसी तरह से हमें टोटल 10 बीड स्टिच करने हैं यहाँ तक। फ्रेंड्स मैंने ये 10 बीड स्टिच कर लिए हैं, ये देख सकते हैं। यहाँ पे हमें 10 बीड स्टिच कर लिए हैं। एवरी बीड पे एक एक नॉट डाल लिया है। उसके बाद एक मीडियम साइज़ का बीड और एक स्मॉल साइज़ का बीड, हमें 2 बीड्स लेने हैं।
और अब फिर से हमें फिंगर में धागा फोल्ड करना है। इस स्मॉल बीड को छोड़ के ये जो मीडियम साइज़ का बीड है, इस बीड में से दोबारा से नीडल को पास करके वापस से हमें इसी नॉट में से नीडल को पास करके स्टिच कर लेना है। इस तरह से स्लोली धागा छोड़ देंगे। हमें यहाँ पे सभी बीड्स को अच्छे से टाइटली स्टिच करना है। और उसके बाद ये जो नॉट्स हमने बनाए थे, एक नॉट छोड़ के नेक्स्ट वाले नॉट में से नीडल को पास कर लेना है। और अब नीडल में हमें एक मीडियम साइज़ का बीड और एक स्मॉल बीड, इस तरह से दो बीड्स लेने हैं। और अब इन दोनों बीड्स को हम अच्छे से टाइटली स्टिच कर लेंगे फिंगर में धागा फोल्ड करके। स्मॉल बीड को छोड़ के इस मीडियम साइज़ के बीड में से नीडल को पास करते हुए जो हमने नीडल से सिल्क थ्रेड के नॉट्स बनाए थे, उसी नॉट्स में से दोबारा से नीडल को पास करना है और धागे को स्लोली छोड़ देना है। इन्हें अच्छे से टाइटली स्टिच करना है, ये देख सकते हैं इस तरह से। और ये जो हमने नॉट बनाए थे, एक नॉट छोड़ के नेक्स्ट वाले नॉट में से दोबारा से नीडल को पास कर लेंगे। और फिर से नीडल में दो बीड्स लेने हैं और स्मॉल बीड को छोड़ के इस मीडियम साइज़ के बीड में से दोबारा से नीडल को पास करके इस तरह से हमें स्टिच कर लेना है। फ्रेंड्स, इस तरह से हमें टोटल 6 बीड स्टिच करने हैं। हमें यहाँ पे बिल्कुल भी थ्रेड्स को लूज़ नहीं छोड़ना है। मैंने 5 बीड स्टिच कर लिए हैं, ये 6th वाला बीड है, ये देख सकते हैं। इस तरह से हमें अच्छे से टाइटली स्टिच कर लेना है। फ्रेंड्स, अब ये वन पार्ट कंप्लीट हो गया है। 10 बीड स्टिच कर लिए हैं, उसके बाद मीडियम साइज़ के 6 बीड स्टिच कर लिए हैं। अब इसी तरह से हम इन बीड्स को स्टिच करेंगे। इस पार्ट में भी यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं, मैंने दूसरे पार्ट में भी कम्प्लीटली बीड्स को स्टिच कर लिया है। जहाँ से स्टिच किए थे वैसे ही यहाँ पे भी स्टिच कर लिया है। और अब नेक्स्ट हमें इस नीडल में एक स्मॉल साइज़ का बीड लेना है। उसके बाद एक क्रिस्टल लेंगे और अब एक स्टोन टायर लेना है। स्टोन टायर को नीडल में पास कर लेंगे। उसके बाद एक हमें मीडियम साइज़ का बीड लेना है और अब एक लास्ट में स्मॉल साइज़ का बीड फिर से नीडल में एक और ले लेंगे। ये देख सकते हैं, इस तरह से एक स्मॉल हैंग बन जाएगा। और अब हमें ये जो स्मॉल बीड है, इस स्मॉल बीड को छोड़ के बाकी सभी बीड्स में से दोबारा से नीडल को पास कर लेना है। जो हमने सिल्क थ्रेड के नॉट्स बनाए थे, वहाँ तक हमें इस नीडल को पास कर लेंगे। ये देख सकते हैं, इन्हें हमें ज़्यादा टाइटली नहीं स्टिच करना है, थोड़ा सा लूज छोड़ना है ताकि ये हैंग हो सके। और अब हमें यहाँ पे इस नीडल को इन सिल्क थ्रेड में से पास करके अच्छे से 2-3 नॉट्स लगा के इस कॉटन थ्रेड को कट कर लेंगे। एक स्मॉल हैंग बन जाएगा, ये देख सकते हैं इस तरह से। और अब रिंग को पास करके दोबारा से यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने स्टिच करके धागे को कट कर लिया है। अब नेक्स्ट हमें फिर से कॉटन थ्रेड लेना है और अब इस नीडल में एक स्मॉल बीड लेना है। और यहाँ पे ये जो नॉट हमने बनाया था, उस नॉट में से भी नीडल को पास कर लेंगे और इस बीड को लॉक कर देना है इस तरह से। उसके बाद इस नीडल में हमें एक मीडियम साइज़ का बीड, एक स्टोन टायर, उसके बाद एक और मीडियम साइज़ का बीड, लास्ट में एक स्मॉल बीड, इस तरह से इन सभी बीड्स को इंसर्ट करके फिर से एक स्मॉल हैंग बनाना है। ये देख सकते हैं, इन सभी बीड्स को इस तरह से नीडल में पास कर लेने के बाद इस ड्रॉप शेप के ऊपर वाला ये जो पॉइंट है, यहाँ पे होल है, इस होल में से हम नीडल को पास कर लेंगे। और अब ये सभी बीड्स इस ड्रॉप शेप के सेंटर में आ जाएगा और एक स्मॉल हैंग बन जाएगा, इस देख सकते हैं। और अब हम यहाँ पे इस स्मॉल बीड के ऊपर एक और नॉट लगाएंगे ताकि ये जो हमने स्मॉल हैंग बनाया था वो कम्प्लीटली अटैच हो जाए। अब ये अटैच हो गया है। अब लास्ट हमें इस नीडल में 2 स्मॉल बीड्स इंसर्ट करने हैं। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं, मैंने 2 स्मॉल बीड्स इंसर्ट कर लिए हैं। अब ये हैंग कम्प्लीट हो गया है। इसी तरह का एक और मैंने लटकन ऑलरेडी बनाया हुआ है, ये देख सकते हैं, दोनों लटकन कंप्लीट हो गए हैं। और अब हमें इसी तरह से हम डोरी पे अटैच कर लेना है।
आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा, ये लटकन्स कैसे लगे, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए डिज़ाइन, एक नए वर्क के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय।